हेलो बाबू, तो मैं भाई जाफरी। तो आज हम लोग ऐसे बेहतरीन और मज़ेदार टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त हैं, हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो उनको एक समय निश्चित बताने के लिए किस तरीके से आप इंग्लिश में उन्हें बताएंगे, आइए उन्हीं वो टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा समय बेटर रहेगा वही चुनने के लिए, किस तरीके से आप बातचीत करेंगे इंग्लिश में। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको अगर कोई अन्य वीडियो नया अपलोड किया जाएगा आपके मोबाइल के फ्रंट पेज पे अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप बेल प्रेस करते हैं तो। और लाइक करें बटन, तुरंत शुरू करिए। चलिए, चार्ल्स कह रहे हैं। चार्ल्स, हाँ चार्ल्स कह रहे हैं, जेनिफर क्या तुम मेरे साथ रात का खाना खाओगी? कह रहा है जेनिफर, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी? बताए थे हम वुड का प्रयोग। वुड वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ संभावना होता है फ्यूचर टेंस में, हाँ वहाँ वुड का प्रयोग कर दिया जाता है। पता नहीं वो खाएगी कि नहीं, इसीलिए संभावना भी है और खाओगी गा भी है तो फ्यूचर है, तो विल के दर पे वहाँ वुड का प्रयोग हो जाता है। अंडरस्टैंड? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और जेनिफर कह रही है, हाँ वह अच्छा रहेगा। तुम कब जाना चाहते हो? यस दैट्स वुड बी नाइस, वैन डू यू वॉन्ट टू गो? फिर चार्ल्स कह रहा है, चार्ल्स क्या आज ठीक रहेगा? इज़ टुडे ओके? फिर जेनिफर कह रही है, माफ़ कीजिए मैं आज नहीं जा पाऊंगी, सॉरी आई कांट गो टुडे। मैं आज नहीं जा पाऊंगी, सॉरी आई कांट गो टुडे। फिर कह रहा है, कल रात कैसा रहेगा? चार्ल्स कह रहा है, कल रात कैसा रहेगा बताओ तो। हाउ अबाउट टुमारो नाइट? हाउ अबाउट टुमारो नाइट? फिर जेनिफर कह रही है, हाँ ठीक है, कितने बजे? ओके व्हाट टाइम? चार्ल्स कह रहा है, क्या रात के 9 बजे ठीक रहेगा? इज़ 9 PM ऑल राइट? इज़ 9 PM ऑल राइट? फिर जेनिफर कह रही है, मुझे लगता है कि वह बहुत दूर हो जाएगी। आई थिंक दैट्स टू लेट, आई थिंक दैट्स टू लेट। चार्ल्स कह रहे हैं, क्या शाम के 6 बजे ठीक रहेगा? इस 6 PM ओके? इस 6 PM ओके? जेनिफर कह रहा, वह अच्छा है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? यस दैट्स गुड, वेयर वुड यू लाइक टू गो? वेयर वुड यू लाइक टू गो? फिर चार्ल्स कह रहा है, कह रहा है, 5th Street पर इटालियन रेस्टोरेंट पे, दैट इटालियन रेस्टोरेंट ऑन 5th Street, दैट इटालियन रेस्टोरेंट ऑन 5th Street। जेनिफर, ओफ मुझे वह रेस्टोरेंट पसंद नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। ओह आई डोंट लाइक दैट रेस्टोरेंट, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। ओ अरे आई डो नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करती दैट रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट को पसंद नहीं करती। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। चार्ल्स, उसके पास वाला कोरियन रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? हाउ अबाउट द कोरियन रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू इट? हाउ अबाउट द कोरियन रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू इट? जेनिफर, ठीक है, मुझे वह जगह पसंद है। ओके आई लाइक दैट प्लेस, आई लाइक दैट प्लेस। तो ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें तुरंत अगर आप चैनल पर नया हैं, और प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का तुरंत मिल जाएगा, आप देख कर नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके इंग्लिश रेगुलर डेली यूजिंग यूजर सेंटेंस जो आप डेली यूज करते हैं उस सेंटेंसों के बारे में आपके ज़िंदगी में जो काम आता है, वैसे सेंटेंस हम आपके लिए बेहतरीन लाते रहेंगे, टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। इन द क्रिटिकल टाइम ऑफ कोरोना इन द रिलेशनशिप आई एम टीचर, बट माय नेम इज वाइस ऑफ रिगू एंड वास्ट दी ऑल प्रीवियस वीडियोज व्हाट आई अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस इन 90 डेज। सो बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी इन द कोरोना टाइम एंड हेल्प ऑफ ईच अदर। व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स गो।